तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर से आ गया हूँ केकेआर से जुड़ी बहुत सारा अपडेट लेके। वीडियो को अंत तक देखते रहना, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि केकेआर के पास स्लॉट बचा हुआ है 11 खिलाड़ी का, और इन 11 खिलाड़ियों से केकेआर को मिनिमम 5-6 प्लेयर लेना पड़ेगा। बट केकेआर के पास पार्ट्स बहुत ही कम बचा हुआ है, 7 करोड़ के आसपास, क्योंकि हर टीम के पास मिनिमम 18 प्लेयर्स होना जरूरी हो जाता है। तो केकेआर भी ट्राई करेगी ऑक्शन से 5 से 6 प्लेयर को अपने टीम में शामिल करने की। तो ऐसे में 5 से 7 प्लेयर जिनको केकेआर अपने टीम में शामिल कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केकेआर को कौन कौन सी पोजीशन पे प्लेयर की ज़रूरत है जान लेते हैं। केकेआर को एक विदेशी बल्लेबाज की ज़रूरत है, और केकेआर ट्राई करेगी वो प्लेयर एक विकेट कीपर बैट्समैन हो। इसके बाद मिडिल ओवर में भी एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा और रिंकू सिंह के बैकअप रूप में ले सके। तो एक इंडियन बैट्समैन केकेआर को चाहिए ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों आंद्रे रसेल और सुनील नारायण के बैकअप रूप में भी एक ऐसा विदेशी ऑलराउंडर लेना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटर बैट्समैन हो। केकेआर ऑलरेडी बताया उनको एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज भी चाहिए। एट प्रेजेंट केकेआर के पास सभी बॉलर राइट हैंडेड है, तो इसमें लेफ्ट आर्म गेंदबाज की सख्त जरूरत है केकेआर को। तो दोस्तों सबसे पहला खिलाड़ी है मोनिश पांडे। अगर आप इनका आईपीएल स्टैट्स देखें तो इनका बेस प्राइस 1 करोड़ है, और अभी तक 149 इनिंग्स खेल चुके हैं। एवरेज औसत 30 का है और 122 की स्ट्राइक रेट है। पिछले साल मोनिश पांडे लखनऊ से खेले थे, मगर इस साल उन्हें रिलीज कर दिया गया। मोनिश पांडे काफ़ी एक्सपीरियंस बैट्समैन है और केकेआर के लिए खेल चुके हैं। ऐसे में केकेआर इनके पीछे जाने वाली है। मिडिल ओवर बैट्समैन भी है, तो मोनिश पांडे अगर 2 करोड़ में केकेआर को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगी। नंबर 2 बैट्समैन जिसके पीछे केकेआर को जाना पड़ेगा वो है बांग्लादेश के विकेट कीपर लिटन दास। जी हाँ, लिटन दास काफ़ी बढ़िया बैट्समैन है, और वर्ल्ड कप 2020 के बाद से आज तक बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। उम्मीद करेंगे लिटन दास इस फॉर्म को बरकरार रखेगा आईपीएल तक। लिटन दास ने इस साल अपना बेस प्राइस रखा है 50 लाख, इनिंग्स खेल चुके हैं आईपीएल में 64, एवरेज औसत है 22 का और स्ट्राइक रेट है 129 का। ऐसे में लिटन दास अगर 1.5 करोड़ के अंदर केकेआर को मिल जाए तो केकेआर की विकेट कीपिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताओ। तीसरे प्लेयर के रूप में केकेआर को जाना चाहिए नारायण जगदीशन के पीछे। जी हाँ दोस्तों, नारायण जगदीशन आईपीएल बेस प्राइस रखा है 20 लाख रुपया। ये प्लेयर इस आईपीएल ऑक्शन का स्टार प्लेयर होगा, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 6 शतक और 6 बॉल में 7 सिक्स मारने वाला इस बैट्समैन के पीछे सभी टीम जाने वाली है। प्लेयर बहुत ही खास है। सीएसके इनको रिलीज करने के बाद नारायण जगदीशन शोर मचा दिया है इस साल मिनी ऑक्शन के लिए। रेडी हो जाओ, आई एम कमिंग। लेट्स सी, अगर केकेआर को इन्हें 1.5 करोड़ में मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया ट्रेड होगी, लेकिन मेरे हिसाब से इतना कम प्राइस में तो ये प्लेयर जाने नहीं वाला है। कम से कम 4 से 5 करोड़ तो जाएगा ही जाएगा। बाद आते हैं रासेल और नारंग के बैकअप ओवरसीज ऑलराउंडर हो सकते हैं नामीबियन खिलाड़ी डेविड विसो। जी हाँ दोस्तों, डेविड विसो की बेस प्राइस है 1 करोड़ रुपया, और 8 इनिंग्स पे 127 रन के 31 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी बढ़िया 141 की स्ट्राइक रेट है। तो ऐसे में रासेल की बैकअप रूम में ये प्लेयर एकदम परफेक्ट है। तो मेरे हिसाब से इनका हाईएस्ट प्राइस 1.5 करोड़ के अंदर जा सकते हैं। आईपीएल में डेविड विसो ने 14 मैच में 16 विकेट ले लिए है, जो भी काफ़ी बढ़िया डिसेंट है, और इकोनॉमी भी 8 का है। तो ये प्लेयर भी अगर केकेआर को मिल जाए तो काफ़ी शानदार होगी केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 5 खिलाड़ी है लेफ्ट टर्म स्पेसर जयदेव उनादकट। जी हाँ, 50 लाख बेस प्राइज के साथ जयदेव उनादकट इस साल ऑक्शन में आएगी। 90 इनिंग्स में उन्होंने 91 विकेट लिए है, जो भी काफ़ी डिसेंट गेंदबाजी है। उनादकट बढ़िया स्विंग करवा सकते हैं नए बॉल से, पावर प्ले में भी काफ़ी बढ़िया करते हैं। लेफ्ट टर्म पेसर तो है, तो केकेआर को एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलेगा। दोस्तों ये थे आज के 5 प्लेयर जिनके पीछे केकेआर को हर हाल में जाना ही चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताओ। ये तो मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन भी जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो का अगर अंत तक देख चुके हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।